नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। पिछले वीडियो में हमने देखा भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद को 8 विभागों में विभक्त किया, 8 विभागों में विभाजित किया। इसके लिए उसका नाम अष्टांग आयुर्वेद ऐसा पड़ा। अब भगवान धन्वंतरी के इस भगीरथ कार्य को अनेक वैद्य लोगों ने आगे बढ़ाया, ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया। तो आज हम देखेंगे कि वो 8 अंग कौन से हैं जिसके ऊपर अलग अलग ऋषि मुनियों ने फिर कार्य करना शुरू किया और इसके ऊपर अनेक संशोधन किए। तो वो 8 अंगों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम अंग जो है वो है, उसका नाम है काय चिकित्सा। हमको पता है कि रोग सबसे पहले शरीर में होता है। शरीर में रोगों की उत्पत्ति होना आयुर्वेद में एक माना गया है कि सबसे प्रमुख कारण उसका है मंद अग्नि। सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नो, यानी अग्नि मंद होने से सब प्रकार के रोग होते हैं। उल्टा हम देखें तो अग्नि यदि तीव्र रही तो रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कहते हुए ये बताया कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, यानी जिसके दोष समान रहते हो, दोष तब समान रहेंगे जब उसकी अग्नि समान रहेगी। इसके लिए बताया कि सम जिसकी अग्नि हो, यानी भोजन की लेने की इच्छा, भूख बराबर लगती हो, खाया हुआ बराबर पचता हो। आयुर्वेद को इसके के बारे में आयुर्वेद ने बहुत विचार किया है। तो अग्नि को ध्यान में रखते हुए जो चिकित्सा होती है उसको काय चिकित्सा कहते हैं। काय नामक अग्नि, काय माने अग्नि, और अग्नि को ध्यान में रखते हुए जो चिकित्सा की जाती है उसको काय चिकित्सा कहते हैं। हमको भी पता है कि जैसे हमको कोई भी प्रकार का खुराक बनाना हो, जीवन चलाना हो, तो अग्नि की आवश्यकता रहती है, जिसको हम भौतिक अग्नि कहते हैं। बाहर की अग्नि की उपयोगिता हमको पता है। ऐसे ही यदि किसी व्हीकल को चलाना है तो किसी ईंधन की जरूरत रहती है, वो भी एक प्रकार की अग्नि है। उसी तरह से हमारे शरीर को चलाना है तो भीतर एक अग्नि की आवश्यकता होती है। ये अग्नि यदि ठीक से काम न करे तो अनेक प्रकार के रोग हमको घटित होते हैं। उस रोगों की चिकित्सा कैसे करनी और उस रोगों का जो कारण है अग्नि का मंद होना, उसको कैसे ठीक करना, अग्नि को कैसे पुनः प्रज्वलित करना, ठीक होना, वो जिस दायरे में आता है, एरिया में आता है, उस चिकित्सा का नाम है काय चिकित्सा। वो प्रथम अंग आयुर्वेद का है। लगभग लगभग सारे रोग पाचन तंत्र के है, उत्सर्जन तंत्र के है, मेटाबॉलिज्म के है, ये सारे रोग इसी दायरे में आते हैं। वायु की विकृतियाँ जो जो होती है वो भी लगभग लगभग इसका विषय हो जाती है। तो जनरल मेडिसिन के हम रूप में देखें हम तो हम ये कह सकते हैं कि काय चिकित्सा यानी जनरल चिकित्सा, जनरल मेडिसिन। उसमें निदान भी आता है, उसमें सारी की सारी बातें आती है, अग्नि के संबंधित बातें आती है, रोग होने के क्या कारण है वो भी जाना जाता है, और फिर अग्नि को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की जाती है। तो ये प्रथम अंग है। दूसरा अंग है शालक्य तंत्र, यानी जिसको ऊर्ध्व जत्रुक रोग की चिकित्सा या उसके उपाय कहे जाते हैं। ऊर्ध्व जत्रुक कहते हैं गले के ऊपर के रोग, जिसको आज की परिभाषा में ENT कहते हैं। एयर हो गया, नोस हो गया, और ये थ्रोट हो गया यानी गला हो गया। आयुर्वेद ने शुरुआत यहाँ से की है। ऊर्ध्व जत्रुक यानी गले, गला, मुंह, नाक, आँख, कान, माथा, ये सब जो एरिया है वो ऊपर के अंग कहे जाते हैं, जो बहुत महत्व के हैं। ये उत्तमांग कहे जाते हैं, यानी शीर को उत्तमांग कहा गया है, ये पूर्ण भाग को, यानी उत्तम भाग है, ऊपर का भाग है। अब ये जो उत्तम भाग है, ऊपर का भाग है, उसको ध्यान में रखते हुए एक चिकित्सा है, उसको ये शालक्य तंत्र कहा जाता है। उसमें कान में ड्रॉप्स डालना, नाक में ड्रॉप्स डालना, आँख में ड्रॉप्स डालना, मुंह में अलग अलग प्रकार की औषधियों के गरारे करना, गले से गरारे करना, गले से कुछ बात, कुछ वस्तुओं का होमिट करना, बहुत सारी बातें चिकित्सा पद्धतियों में आती है, उसका नाम है शालक्य तंत्र।
इसमें बहुत सारी रोग की चिकित्सा की जाती है, जैसे कान की चिकित्सा की जाती है, आँख की चिकित्सा की जाती है, नाक के रोगों की चिकित्सा की जाती है, मस्तिष्क के रोगों की चिकित्सा की जाती है। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चिकित्सा पद्धतियों में दवाई का तो उपयोग होता ही है, साथ साथ में कान में धूप देना, नाक में नसिका डालना, आंख में अंजन करना, माथे पर अभ्यंग करना, शिरोधारा करना, ऐसे अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं ये अंगों में की जाती है जो शालक्य तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद का अंग सबसे महत्वपूर्ण है, वो है शल्य तंत्र। आपको पता है, आप यदि इंसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे तो उसमें आप लिखे फादर ऑफ सर्जरी, जनरल सर्जरी की हम बात करते हैं तो फादर ऑफ सर्जरी के रूप में सुश्रुत का ही नाम आएगा। सर्वप्रथम किसी ने भी सर्जरी की पूरे वर्ल्ड में तो वो मुनि सुश्रुत ने की। उन्होंने जो सर्जरी के सिद्धांत बताए वो आज भी अकाट्य है। उन्होंने बहुत प्रकार की सर्जरी का ज्ञान जगत को दिया। उनकी सर्जरियों में आज भी अग्निकर्म लगभग लगभग 22 देशों में हो रहा है। क्षार सूत्र आज भी अकाट्य सर्जरी मानी जाती है और आज भी उतनी ही सक्सेसफुल पाइल्स में है। तो अनेक प्रकार की सर्जरी का जो ज्ञान है वो ये तंत्र में दिया जाता है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर कैसा होना चाहिए, सर्जरी के पहले क्या खाना चाहिए, सर्जरी के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, सर्जरी के कितने कितने प्रकार है, सर्जरी करने वाला जिसको सर्जरी करानी है वो पेशेंट कैसा होना चाहिए, सर्जरी में जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको स्टरलाइज कैसे करना है, कैसे किया जाता है, सर्जरी के साधनों का उपयोग कैसे करना है, कैसे कैसे साधनों सर्जरी में उपयोग करने हैं, किस धातु के लेने हैं, ये पूरा का पूरा ज्ञान सुश्रुत मुनि ने दिया है। ये पूरा का पूरा एक संप्रदाय कहा जाता है जिसको धन्वंतरी संप्रदाय कहा जाता है, वो सर्जरी के बारे में बहुत कुछ बातें बताता है। इसलिए आयुर्वेद में सबसे प्रथम सर्जरी की बात की, और कुछ कुछ सर्जरी तो ऐसी बताई आज के काल में भी वही सर्जरी सबसे आसान होती है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे व्यवस्था के बाद भी आयुर्वेद की सर्जरियाँ आज भी प्रभावशाली है, आज भी वो पूर्ण परिणामदायी है। तो ये इस तंत्र का विचार पूरा का सर्जरी का है। तो इसके लिए हमको प्रश्न आता है कि आयुर्वेद क्या ऑपरेशन में मानता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, अनिवार्य जो है उसको तो करना होता है, तो लेकिन वो अंतिम उपाय के रूप में मानता है, विवेक से मानता है। आगे अगद तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी जिसको मॉडर्न में कहा जाता है, तो जो टॉक्सिस एक प्रकार का जो टॉक्सिन से वो नियमितम लेते हैं, अनेक अनेक माध्यमों से जाता है, हवा से, पानी से, अन्न से, वो तो एक है ही। दूसरा, जहरी जो अलग अलग प्राणी पशु है वो काट लेते हैं, जब हमको कुछ वनस्पतियां हमारे भीतर जाती है हम उसको भूल से खा लेते हैं, तब टॉक्सिन हमारे शरीर में एक प्रकार का जहर उत्पन्न होता है जिसको विष कहते हैं। वो विष को कैसे दूर करें, वो विष दूर करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। वो उपायों का संकलन इस तंत्र में आता है। इस तंत्र के ऊपर तो हम पूरी 3 दिन की एक शिविर करते हैं, उसमें बिच्छू को उतारना सिखाते हैं, सर्प विष की चिकित्सा सिखाते हैं, चूहा काटे, बिल्ली काटे, कुत्ता काटे, उसके लिए क्या क्या उपाय हम घर बैठे कर सकते हैं, उसके लिए आप कौन सी औषधि ले सकते हैं, कौन सी औषधि इसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है, इसका पूरा का पूरा विचार ये तंत्र पर किया गया है। दुर्भाग्य की बात है, ये तंत्र पर काम बहुत कम हुआ था। पूज्य गुरुवर्य विश्वनाथ जी ने इसका पूरा का पूरा एक अभियान चलाया और विश्व तंत्र पर, अगध तंत्र पर पूरी शिविरों का आयोजन किया। तो जो कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते थे, ऐसी ऐसी बातें थी जो पुराणों में लिखी थी, उपनिषदों में लिखी थी, अथर्ववेद में लिखी थी, ऐसी बहुत सारी बातें आज भी स्टूडेंट्स जानने लगे हैं। ये तंत्र का उपयोग करके बहुत सारे विष से मुक्ति होती है। किसी ने मक्खी काट ली, कुत्ता काटा, चूहा काटा, ऐसे अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हमको काटते हैं उसके दंश होते हैं, तो ये दंश की चिकित्सा कैसे करें, आसान आयुर्वेदिक औषधियाँ घर पर कैसे रखें, उसका पूरा ज्ञान ये तंत्र में आता है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम इस तंत्र के लिए बहुत ही कार्यरत है। आगे जाकर 5वां अंग आता है भूत विद्या, जिसको आप अभी
साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी प्रख्यापित जो हुए हैं उसका भी विषय कह सकते हैं। इसमें मानस रोगों का वर्णन है, साइको डिसीज और साइकोसोमेटिक डिसीज का वर्णन है। तो ये जिस ये क्षेत्र आता है जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, वो ग्रह बाधा से भी हो सकते हैं, वो विभिन्न प्रकार के विचारों से भी हो सकते हैं, वो विभिन्न प्रकार की एनर्जीज डिस्टर्ब होने के कारण भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव थॉट के कारण भी हो सकते हैं, वो विकृत ऊर्जा के कारण भी हो सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि आयुर्वेद ये सब में मानता है क्या? हाँ, आयुर्वेद पूरे जगत को ऊर्जामय मानता है, पूरे जगत में ऊर्जा व्याप्त है। हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी नेगेटिव भी कोई ऊर्जा हो सकती है। हर एक स्थान का, हर एक काल का, हर एक पूरे के पूरे समष्टि का प्रभाव हमारे पर निरंतर बना रहता है। वो चाहे चंद्र हो, सूर्य हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, नदी हो, तालाब हो, उसका पानी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन उसका निरंतर प्रभाव हमारे ऊपर है। उस प्रभाव जब हमारे पर पड़ता है विपरीत दशा में, विपरीत रूप में, तब वो रोग कहा जाता है, रोग हो सकता है। इसके लिए आयुर्वेद ने भूत विद्या को भी स्थान दिया है। अनेक प्रकार के दिखते हुए जीव जंतु है, इस तरह से अनेक प्रकार के न दिखते हुए भी जीव है, ऐसे भी जीव सृष्टि आयुर्वेद मानता है। इसके कारण होने वाले रोग में कुछ अलग अलग लक्षण प्रकटित होते हैं जिसको मेडिकल साइंस भी पकड़ नहीं पाता है, लेकिन उसको दिखता तो है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन उसके कारण मिलते नहीं हैं, इसके लिए कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद ने उस पार के कारणों को भी जान लिया, उसका भी विवरण कर दिया, उसका भी वर्णन कर दिया, ये भूत विद्या नामक तंत्र में विभाग में। आगे जाकर कोमार वृत्यम, यानी आज जिसको हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं, बाल रोग का विज्ञान कहते हैं, वो इसके दायरे में आता है। इसके मुनि कश्यप हुए, 3000 साल पहले उन्होंने काश्यप संहिता नामक ग्रंथ लिखकर जगत भर के बच्चों के ऊपर एक उपकार किया और पूरा का पूरा बाल मनोविज्ञान, बाल रोगों की चिकित्सा, बाल रोगों का बालकों का आहार विहार, बच्चों के खिलौने, बच्चों का पूरा जो जीवन है वो उनमें ग्रथित कर दिया। तो ये एकमात्र ग्रंथ इंसाइक्लोपीडिया जैसा है बच्चों के लिए। तो बच्चों की सारी बातें उसमें लिख दी ताकि भारतवर्ष आदर्श संतति को तैयार कर पाए। ये काश्यप संहिता लुप्त प्राय हुई थी, बहुत सारे सिद्धांत उसके लुप्त प्राय थे। पूज्य गुरुजी विश्वनाथ जी ने इसका पुनरुद्धार किया, काश्यप संहिता के खंडित श्लोकों को पूर्ण किया और उन्होंने ही उसमें से मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन नामक एक अद्भुत औषधि बनाई जो आज भी हजारों लाखों बच्चों पर उपयोग हो रही है और हजारों लाखों बच्चे के रोग ये इस एक औषधि ने मिटाए हैं। ये औषधि इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई है। तो ये हुआ कोमार वृत्यम, यानी बच्चों के रोगों का विज्ञान का तंत्र, ये छठा तंत्र आयुर्वेद का है। आगे जाकर दो और यूनिक तंत्र है, उसका नाम है रसायन और वाजीकरण। सातवां रसायन देखते हैं, यानी जो हमारे सेल्स घिसते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, उसको पुनर्जागृत करना, पुनः उत्पन्न करना, ये काम जिस पे होता है वो है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र क्या करता है? हमारे सेल जो घिसते हैं, मिटते हैं, उस सेल्स को पुनः उत्पन्न करता है, पुनः उसको साइकिल में लाता है और इसलिए हम तरोताज़ा होते जाते हैं। हमारी शक्ति जो क्षीण होती है वो वापस हम इस प्रयोग के से ला सकते हैं। अभी जो आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, तो च्यवनप्राश अवले है, उससे ही रसायन प्रयोग किया था च्यवन मुनि ने। इसके नाम पर ही अभी च्यवनप्राश मिल रहा है, आपको पता होगा। वो वृद्ध हो गए थे, जर्जरित हो गए थे, कोष खींच गए थे, कोई उपाय ही न था पुनः यौवन प्राप्त करने का, लेकिन च्यवनप्राश अवले के सेवन से, विधिवत सेवन से, वो पुनः यौवन प्राप्त कर चुके। पुनः यौवन में पुनः उसको एक नया शरीर, एक नया जीवन मिला, तो ये रसायन प्रयोग से मिला। आज भी बहुत सारे लोग ये रसायन प्रयोग को करवाते हैं। रसायन प्रयोग करने से हमारी जो नष्ट हुई शक्ति है वो पुनः प्राप्त होती है, हमारा शरीर पुनः तरोताज़ा होता है और पुनः कार्य करने में सक्षम हो जाता है। वाजीकरण अंतिम अंग,
गृहस्थी जो है वो गृहस्थ जीवन जीता है तो उसमें बार बार ब्रह्मचर्य का भंग होता है और इसके कारण भी बहुत सारी ऊर्जा उसकी नष्ट हो जाती है। वीर्य का नाश होता है तो आयुर्वेद बताता है कि जीवनम बिंदु से ही है और मरण बिंदु पात से है। इसके लिए जीवनम मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य का जो बिंदु है, शुक्र का जो बिंदु है, उसमें इतनी अगाध शक्ति है कि वो यदि नीचे के तरफ जाए बहे तो प्रजा को उत्पन्न करता है और ऊपर की तरफ यदि जाए तो वो प्रज्ञा को उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के ऋषि मुनि प्रज्ञा को प्राप्त हुए, उसने शुक्र का पूरा उपयोग किया। जैसे कोई एक आदर्श व्यापारी धन का पूरा उपयोग करे, पैसे पैसे की गिनती करे, पैसे पैसे का उपयोग करे, एक भी पैसा व्यर्थ न जाने दे, उसी तरह से आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने शुक्र की महिमा को जाना। उन्होंने देखा ये पूरा का पूरा शरीर में शुक्र मौजूद है, शुक्र ही व्याप्त है। शुक्र के कारण ही व्यक्ति प्रतिभा को प्राप्त होता है। शुक्र के मिथ्या व्यय से ही व्यक्ति अनेक रोगों से घिरता है। इसके लिए आयुर्वेद के स्त्री स्तंभों में उन्होंने ब्रह्मचर्य का महत्व बताया। एक भी पति ने इस महत्व को समझा हो ऐसा आज तक ज्ञात नहीं है। ये तीसरा स्तंभ पूरा का पूरा पिलर के रूप में आया और ब्रह्मचर्य का आया। वाजीकरण यही बताता है कि जब ही गृहस्थ जीवन जीते हैं तो इस तरह की शक्ति की जरूरत होती है और आयुर्वेदिक औषधियाँ लेने से ये शक्ति पुनः प्राप्त होती है और क्षीण नहीं होती है, तो अनेक प्रकार के रोगों से व्यक्ति बच जाता है। तो ये शक्ति संरक्षण और नई शक्ति को प्राप्त करना, ऐसे अनेक प्रयोग करना, ऐसे अनेक कर्म करना, वो वाजीकरण अंग में आता है। तो वो शुक्र ही जीवन की शक्ति है, उसको कैसे बचाए, उसका उपयोग कैसे करें और उसको कैसे बढ़ाए, तो इसका पूरा का पूरा जो तंत्र है वो वाजीकरण तंत्र है। वाजी अर्थात घोड़ा होता है, वाजी को अवाजी को वाजी करना वाजीकरण बताता है। घोड़े जैसी शक्ति और गति प्राप्त करना ये इस तंत्र का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए ये मतलब नहीं है कि पशु के जैसी शक्ति, लेकिन ये मतलब है कि गति और शक्ति प्राप्त करके व्यक्ति अपने विकास में, अपने आत्मविकास में वो शक्ति का उपयोग करे और शक्ति के प्रति वो व्यक्ति जागरूक हो और उससे वो अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो चतुर्पुरुषार्थ है वो शक्ति से ही सिद्ध कर पाए। तो ये हमने बात की आयुर्वेद के आठों अंगों की। तो ये अष्ट अंग, ये आयुर्वेद के आठ अंग जो भगवान धन्वंतरी ने विभक्त किए, इसके लिए काम करना आसान हो गया। एक एक अंगों पर तो बाद में आयुर्वेद में बहुत कुछ काम हुआ, इतना काम हुआ कि हम पूरे जीवन बोलते रहे और आप पूरे जीवन सुनते रहे तो भी, ऐसे 10 जन्मों तक चलता रहे तो भी ये आयुर्वेद का पार आए ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद और एक अगाध समुद्र है जिसका पार पाना आज भी लगभग लगभग अशक्य और असंभव है। नमस्कार। जय धन्वंतरी।